तंत्र मंत्र वाली इंग्लिश यानी टोटके वाली इंग्लिश। आप कहोगे टोटके वाली इंग्लिश क्या होती है? यार एक बार बताओ, अंग्रेज लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो क्या वहां पे क्या टोटके नहीं होते? वहां क्या तांत्रिक नहीं होते? वहां क्या भूत नहीं आते? वहां सब कुछ होता है, वहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां थोड़ा ज्यादा होता है, वहां थोड़ा कम होता है, इतना फर्क है। तो भाई अंग्रेज लोग भी तो बोलते होंगे। अब ये तो नहीं है अंग्रेज लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, ही हैज डन टोटका ऑन मी आई एंड ही हैज डन जादू टोना ऑन मी। अब जादू टोने की कुछ तो इंग्लिश होगी, वो कुछ तो बोलते होंगे ना इंग्लिश में। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी पे समर्पित है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो अगर ना किया हो तो, और इस वीडियो शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपके अलावा ज्ञान औरों को मिल जाए। ज्ञान की गंगा बहाने की चीज होती है, ऐसा नहीं ज्ञान अपने पास को कहते हैं, ज्ञान जितना बांटते हो उतना बढ़ता है। तो शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है? चलो नाउ कमिंग टू द पॉइंट। पहला पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूं। एक बार ना मैं अपने घर से निकला, मैंने देखा रास्ते में चौराहे पर मुझे दिखी एक क्या बड़ी सुंदर सी, बहुत सुंदर सी, लंबे लंबे बालों वाली, काली काली आंखों वाली, क्या समझते रहे कहा बोल रहा हूँ, मिली मुझे वहां पे एक कुतिया। कुतिया भी हो सकती है, लंबे बाल मतलब सफेद रंग की पोमेलियन कुतिया थी, उसको ना मैं घर ले आया, ठीक है? चलो ओके, चलो छोड़ो, आगे गया। जब मैं आगे गया तो मैंने वहां पे देखा, वहां पे लंबे बालों वाली, बिल्कुल बिल्कुल नीली नीली आंखों वाली, क्या क्या बंदर या कुतिया? नहीं नहीं यार, इस बार तो मुझे मिली गुड़िया। क्या यहाँ पे गुड़िया? तो मैंने गुड़िया को देखा भाई, मैं तो गुड़िया को देख के डर गया। क्यों? गुड़िया कैसी थी? गुड़िया थी वुडू गर्ल। क्या देखो वुडू गर्ल, पहले देखो वुडू क्या होता है। वुडू होता है टोना, सॉरी तंत्र को बोलते हैं। तंत्र क्या होता है? वुडू क्या होता है? तंत्र मंत्र को बोलते हैं वुडू। क्या बोलते हैं? वुडू। अरे वुडू है, ये जो वर्ड है निकला कहां से है भाई? जो वर्ड है ये सदर्न अमेरिका से निकला है सब, ठीक है? जो अमेरिका में एक एक तंत्र विद्या को बोलते हैं वुडू। क्या बोलते हैं? वुडू। तो हमने वहां से वर्ड उठा लिया है, तंत्र मंत्र या तंत्र के हम बोलते हैं वुडू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो मुझे वहां पर गुड़िया मिली, वो वुडू गर्ल थी। एक तो सिंपल गर्ल जो बच्चे कहते हैं, एक होता है ऐसी गुड़िया जिसके जिसकी आंखों आंखों में क्या है, आंखों में उसके नींबू लगा दिया है, ठीक है? और वो वैसी बनाई हुई है, उसमें किसी इंसान का प्रतिरूप है, उसका एक टांग काट दी गई है जिससे कि किसी इंसान जिस पे टोटका किया गया है उसकी टांग कट जाए। तो ये बच्चों की गुड़िया है। क्या ये प्लेइंग डॉल है, खेलने वाली डॉल है, डांसिंग डॉल? ना, ये है वुडू डॉल। क्या है ये? वुडू डॉल। तो वुडू माने क्या होता है? तंत्र मंत्र। क्लियर है? अब आ जाओ टोटके में। भाई ये टोटका क्या होता है? टोटके दो प्रकार के होंगे सब। टोटका एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। भाई टोटका बार पॉजिटिव है, टोटका पॉजिटिव क्या होता है? अभी देखो जरा, कभी जब एग्जाम देने जाते हैं कुछ बच्चे होते हैं, मैंने देखा है हाथ में ना कुछ फूल रख के लेके जाएंगे, जेब में फूल रख के ले जाएंगे, भगवान का कुछ लेके जाएंगे, ठीक है? या आपने ऑफिस के बाहर देखा वो लाल से रख कर रहता है, ठीक है? गोल गोल कपड़े, लाल कपड़े बांध के रख लेते हैं, होता है? हाँ होता तो है सब कुछ, ठीक है? अब देखा हो आपने शनिदेव आते हैं और वो लेकर के आते हैं, शनिवार के दिन कुछ लोग आते हैं और वो लेकर के आते हैं, क्या उनका काम होता है लटकाने का? क्या नींबू और मिर्च लटका देते हैं? क्यों? ये क्या है? ये चार्म है टोटका। क्या है? देख ले, ये कितनी बार बोलना, तुम तो बहुत ही बेहया बेशरम हो चुके हो। आप अब साफ कहा इधर देखा, तो इधर मत देखा, तुम स्मार्ट हो, अच्छी बात है यार, स्क्रीन शॉट लेना, ढंग से देख लेना मुझे, लेकिन जरा इधर देखो। क्या मैंने बोला वो जो लटकाते हैं नींबू मिर्च, तो वो क्या है? टोटका। क्या है वो? टोटका है ना। टोटका भी कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला, यानी कि अच्छा टोटका। तो उसको बोलेंगे चार्म। क्या बोलेंगे हम? CHARM। चार्म का सही मतलब क्या होता है? जादू, ठीक है? कहते हैं भगवान राम के फेस पे क्या था? चार्म। भगवान कृष्ण के फेस पे क्या था? चार्म, ठीक है? और कटरीना कैफ के फेस पे भी क्या है? आया है खुश हो गया, चार्म है। तो चार्म अट्रैक्शन के लिए भी आता है, लेकिन चार्म जो वर्ड है अट्रैक्शन के लिए होता है, और ये आता है किसके लिए? ये आता है टोटके के लिए, अगर टोटका अच्छा होता है तो। अब आपने लाला लोग क्या करते हैं अपने गले में, अब गल्ला गल्ला समझते हो ना, जैसे पैसे रखते हैं, जब गले के नीचे ले लो यार, लगे तो तुम कहो यार किससे पल्ले पड़े, लो इंग्लिश झाड़ रहा हूं मैं, लो गले का होता है मनी बॉक्स। क्या होता है? मनी बॉक्स। तो लाला जी अपने मनी बॉक्स में क्या करते हैं? एक छोटी सी गुड़िया रखते हैं, छोटा सा क्या रखते हैं? एक लाल कपड़ा रखते हैं, ठीक है? तो वो क्या है उनके लिए? क्या है वो? टोटका है। टोटका कौन सा? अच्छा वाला है। तो उसको बोलते हैं क्या? चाम। क्या बोलते हैं उसको? चाम, ठीक है? अब नेगेटिव टोटके वाला सब। नेगेटिव टोटका क्या होता? नेगेटिव टोटका था, एक बार मैं अपने घर से निकला, घर से निकल के मैंने देखा वहां पे ना चौराहे पे अंकल जी हमारे हल्ला काटे थे, अंकल जी के घर के आगे किसी ने क्या करा, वहां पे एक सकोरा, सकोरा पीली दाल के साथ थोड़ा सा सिंदूर और आधा कटा नींबू और उसके साथ था लाल कपड़ा, इतनी सारी चीजें और थोड़ी सी काजल भी थी और एक चीज भूल गया क्या, हरी मिर्च और ये सारी चीजें थी वहां पे। तो ये क्या कर रखा? क्या बोले अंकल? अब यार हमारे तो किसी ने टोटका करवा दिया, लो जी लो टोटका करवा दिया। अब ये टोटका जो है पॉजिटिव है नेगेटिव? अच्छा, अच्छे के लिए बुरे के लिए? भाई ये तो बुरे के लिए है, तो इसके लिए जो वर्ड है ना इसके चार्म वर्ड नहीं होगा, इसके लिए आएगा ब्लैक मैजिक। क्या आएगा इसके लिए? ब्लैक मैजिक, ठीक है? तो किसी ने टोटका करवा दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसके लिए आपको हैज हैव का लेक्चर ले लेना, फिलहाल जो मैं सेंटेंस लेगा उसको देखो जरा, समबडी हैज गॉट
ब्लैक मैजिक डन ऑन अस, जब शॉर्ट हो तो समबडी हैज गॉट ब्लैक मैजिक डन। अभी गेट क्यों आ रहा है, डन क्यों आ रहा है, इसके लिए गेट का लेक्चर लेना पड़ेगा आपको, अलग जाओ जिससे गेट का लेक्चर जो समझ में आएगा। अभी यहां पर भी शॉर्ट लेक्चर है, गेट का लेक्चर नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो काला जादू ब्लैक मैजिक या गंदा वाला टूटकर नेगेटिव वाला टूटकर क्या होगा, ब्लैक मैजिक ही होगा। ठीक है, दो चीजों में। अब किसी और बता दो, अब किसी को हमारे हिंदुस्तान है ना ये बहुत पिछड़ा हुआ है ना, वैसे तो अच्छा है लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता बहुत अच्छी नहीं है। सोचो जरा, किसी को कोरोना हो गया, अब कुछ तो कोरोना के लिए जा रहे हैं अपने भैया ठीक करवाने, कोई कहीं जा रहा है, कोई डॉक्टर पे जा रहा है, कोई क्वारंटीन हो रहा है, कुछ की सुन दो जरा। पड़ोस में हमारे गोलू थी, गोलू का दोस्त है कौन, झबरू, झबरू को भाई कोरोना हो गया तो झबरू को कहां गया, हॉस्पिटल में ना, कहां गया पता, कहां गया वो चला गया झाड़ा लगवाने, कहां गया झाड़ा लगवाने। अब आप कहोगे सर ये झाड़ा लगवाना क्या होता है, नहीं बोलता है नया वर्ड है exorcise, exorcise, exorcise होता है। ठीक है, तो झाड़ा लगाना मतलब किसी को उतारने के सेंस में होता है, कुछ भी उतारो, किसी के भूत उतारना, किसी का भूत उतारना या किसी का झाड़ा लगाना, उसको बोलते हैं exorcise। क्या बोलते हैं हम उसको, exorcise। और जो जो इसको करता है ना, जो इसको करता है उसको बोलते हैं क्या, exorcist। क्या बोलते हैं उसको, exorcist। क्या बोलते हैं, exorcist। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एग्जॉस्ट और एग्जॉसाइज में क्या फर्क है। अब वो झाड़ा लगवाना क्या होगा, देखो अब जो बंदा जिस पे भूत चढ़ गया है, ठीक है जी, और वो पहुंचा कहां पे, वो पहुंचा झाड़ा लगवाना है, या उसको जिसको कोरोना हो गया है। कुछ लोग तो बीमारियों के लिए भी झाड़े के लिए पहुंच जाते हैं, कुछ लोग किसी पे भूत हो जाता है तो पहुंच जाते हैं, और जब वो पहुंचे उसके घर पे मतलब तांत्रिक के घर पे पहुंचे तो वो वहां पे ना ये जैसे ऑलरेडी दो बैठे हैं वहां, ये जैसे लड़की है मैं तुझे देख लूंगी, अजा कमरा तुमने मेरा फोन किया है। अब ये जो लड़की है ना, ठीक है, अब इस पे तुम क्या हो गए, तुम्हें देख करके तुमने कहा भाई इस पे तो ऊपरी है, इस पे तो ऊपरी है। अब यहां से एक सेंटेंस बनेगा, देख लेना तेरा, मैंने कहा दीवार पुती हुई है, वॉल इज पेंट, ये थर्ड फॉर्म पेंटेड, ध्यान आ रहा है, पढ़ा क्या आपको। अच्छा, मैंने कहा शर्ट धुली हुई है, शर्ट इज वॉश, फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आता है। मैंने कहा नहीं आसान में, चलो ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, एक बार समझ में आ जाएगा। मैंने कहा भाई दिल टूटा हुआ है तो हार्ट इज ब्रोक, हार्ट इज ब्रोकन, थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, टूटा हुआ, पिटा हुआ, लिखा हुआ, लिखा हुआ क्या होता है, राइट होता है, रिटर्न होता है, रिटर्न, ठीक है, धुला हुआ, वॉश, टूटा हुआ, ब्रोकन, तो टूटा हुआ ये जो जितने भी होते हैं इनमें थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या लगा दो। मैंने कहा छूटी हुई कॉल, मोबाइल में क्या होता है छूटी हुई कॉल होती है ना, तो मिस कॉल होती है, मिस में ईडी लगा रहता है, मिस्ड कॉल थर्ड फॉर्म होती है वो, मिस्ड कॉल, रिसीव्ड नंबर्स, डायल नंबर्स, ईडी लगता है उसमें, ठीक है जी, थर्ड फॉर्म होती है वो हमेशा। तो ऐसे ही अब तुमने कहा ये लड़की तो भैया शी इज पजेस्ड, अब POSSED, पजेस्ड माने होता है कब्जा करना, क्या होता है कब्जा करना, किसी चीज पे अधिकार कर लेना, तो किसी चीज का अधिकार कर लेते हैं, किसी चीज पे कब्जा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पजेस्ड, क्या बोलते हैं उसको हम पजेस्ड। तो मैंने कहा वो है कैसी, कब्जा की हुई, दीवार है पुती हुई, वॉल इज पेंटेड, दिल है टूटा हुआ, हार्ट इज ब्रोकन, थकान लगा ना हर बार, ऐसे ही वो है, वो मतलब शी, वो है शी इज, कैसी है वो, कब्जा की हुई, पजेस्ड माने कब्जा करना, थकान लगा दो साहब, शी इज पजेस्ड, वो है कब्जा करी हुई, किसके द्वारा, एक आत्मा के द्वारा, शी इज पजेस्ड बाय अ सोल, या कैसे बोलो, है ना, लेकिन इतना लंबा नहीं बोलते, उसमें किसी आत्मा का कब्जा है, ऐसे थोड़ी बोलते, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अब उस पर तो ऊपरी है, उस पर क्या है ऊपरी है, पर तीन ही वर्ड है उसमें ऊपरी है, इंग्लिश बोलते शी इज पजेस्ड, क्या बोलेंगे शी इज पजेस्ड, क्या बोलेंगे शी इज पजेस्ड, क्लियर हो गया बात, ठीक है। अब आप जिसको कोरोना हो रहा था ना झबरू को, वो जहां पहुंचा वहां पर भैया वो तो अपने बीमारी का झाड़ा लगवाने का, वहां देगा सबसे, वहां तो भूत रखे, ठीक है, वहां तो शीश पजेस्ड है, उसमें तो भूत है भैया, वो तो भगा है वहां पर, ठीक है। अब उन्हें देखा चुप करके, क्या भैया वो कर रहा है उसको एग्जॉर्साइज, क्या कहता है झाड़ा लगाना, तो झाड़ा, झाड़ा लगाना क्या होता है, झाड़ा कैसे लगाते हैं, उस पर एक मोर पंखी एक झाड़ू है, अब वो ऐसा कर रहा है, यूं करके यूं कर रहा, यूं मारा, ठीक है, और यूं करके ऊपर के फिर करा, ठीक है, करा एग्जॉर्साइज, क्या कर रहा है ये एग्जॉर्साइज, क्लियर है। तो एग्जॉर्सिस्ट झाड़ा उतारने वाला, झाड़ा करने वाला, एग्जॉर्साइज झाड़ा उतारना, इतना असल में आती है। तो ये वर्ड्स हो गए आपके लिए। अच्छा, शीश पहले समझ में आ गया आपको, आगे एक नया वर्ड आ रहा आपके लिए, मैंने कहा उस पे ऊपरी है तो शी इज पजेस्ड पढ़ा दिया, उसके ऊपरी नहीं है, शी इज नॉट पजेस्ड, क्या बोलेंगे शी इज नॉट पजेस्ड। अच्छा, पजेस्ड से एक वर्ड याद है, POSSED, पजेशन माने होता है कब्जा, ठीक है जी, ठीक है, पढ़ाता ना जुड़ते बड़े दोबारा देते हैं, इसका एग्जाम्पल करूंगा आपको, पजेशन माने होता है कब्जा, जैसे जब आप किसी फ्लैट खरीदने जाते हो ना, कहते हैं ना कि पजेशन सर आपको 2022 मिलेगा, यानी कि आपको फ्लैट को बनाने के बाद चाबी जो मिलेगी वो 2022 मिलेगी, आपसे काफी समय बाद, तो आपको कब्जा कब मिलेगा, 2022 मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, मैंने चांद पढ़ा दिया, आपको पजेशन पढ़ा दिया, शीश पजेस पढ़ा दिया, एग्जॉर्सिस एग्जॉर्साइज पढ़ा दिया, वूडू पढ़ा दिया, तो ये जो वर्ड मीनिंग है आपको ध्यान रखने,
क्लियर है। अब यहां से एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, एमुलेट, ए एम यू एल ई टी, ठीक है, लेट टी बोलो मत बोलो सारे मुझे एमुलेट, ठीक है। तो एमुलेट क्या होता है, ये एमुलेट होता है ताबीज, ठीक है। जब छोटा सा बच्चा होता है तो उसको क्या पहना देते हैं, यहां पे पहना देते हैं ताबीज, और उसको बोलते हैं हाय। हमने अपने बच्चों को हाय पहना दी, क्या पहना दी, हाय या ताबीज। ताबीज होता है ए एम यू एल ई टी, एमुलेट क्या होता है, एमुलेट उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ लिख करके पढ़वा करके लगा दिया, तो ये क्या होगा, एमुलेट। क्या बोलते हैं उसको, एमुलेट, क्लियर है। तो गोलू, गोलू ने पहना हुआ है क्या, ताबीज। तो काम जारी है, एक्शन नहीं लगेगी, गोलू इज वेयरिंग एन एमुलेट, क्या बोलेंगे, गोलू इज वेयरिंग एन एमुलेट, समझ में आ रहा है, गोलू इज वेयरिंग एन एमुलेट। मैंने ताबीज पहना हुआ नहीं है। अच्छा, ताबीज या तो यहां पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जिसका डोले अच्छे होते हैं, बढ़िया वाले होते हैं, डोला देखा मेरा डोला, जैसे क्या बेहतरीन ऐसा डोला होगा ना जिसका बढ़िया वाला, तो वो यहां पे पहन देता, पहन लो कभी पहन लो यार। तो कोई लड़की है उसने, या कोई लड़का है, तो उसने पहना हुआ है, शी इज वेयरिंग क्या, एमुलेट, उसने एमुलेट पहन रखा है, उसने ताबीज पहन रखा है भैया, उससे अब आत्मा भी डरती है, क्योंकि उसने वो पहन रखा है क्या, एमुलेट। तो जो आत्मा है ना, जो उस पर चढ़ना चाह रही है, तो ये चढ़ नहीं पा रही, क्यों, डरती है, उसमें ना कुछ जुगाड़ है, उसमें क्या है, उस एमुलेट में क्या है, जुगाड़ है, कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर है चार, कौन सा, नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला पड़ा था, उसमें टोटका था, लेकिन अच्छा वाला है, तो चार है इसके अंदर, इस ताबीज के अंदर टोटका है, यानी कि दिस एमुलेट हैज अ चार्म, ठीक है, दिस एमुलेट हैज अ चार्म, मसल में अभी, ठीक है। तो ये वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए, दिमाग रखने, अगर दिमाग से निकलेंगे एक एक मारवा घुमा के, वर्ड्स पढ़ा दो, मैंने दिमाग में रखा दो, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स पढ़ाए गए हैं इनको दिमाग में रखेंगे, और जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जल्दी से सबमिट कर दो, ये तो पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा, पार्ट थ्री भी आएगा, जिसमें मैं बताऊंगा आपको नजर लगना क्या होता है, ठीक है, हाय लगना क्या होता है, उसने नजर लगा दी, नजर उतारना क्या होता है, ये सारी चीज आपको बताने वाला हूं, क्लियर है, पक्का देख लो, जाऊं यार, मन तो नहीं बजाने का, सोचा कुछ दे दूं, जाते जाते तो नया दे दू, ठीक है जी। तो चांद पढ़ाया, अच्छा चांद से एक बॉडी आता है, स्नेक बने सांप, और स्नेक चार्मर, चार्मर माने टोटका, और स्नेक और चार्मर माने जादूगर भी हो सकता है, टोटके बाज भी हो सकता है, स्नेक चार्मर, सांप का जादूगर, यानी कि सपेरा, क्या होगा, सपेरा। और फिर एक नया वर्ड ले लो, स्नेक चार्मर शो, सपेरे का खेल, क्या होता है, सपेरे का खेल, क्या होता है, खेल, सपेरे का खेल। तो भाई ये भी क्या होते हैं, ये भी टोटके बाज होते हैं, क्या होते हैं, ये टोट के बाद होते हैं, एग्जॉस्टिस्ट होते हैं। अच्छा, जब टोट के बाद जब क्या करता है ना, अच्छा एग्जॉस्टिस्ट पढ़ा दिया ना, टोट के बाद जो टोटका करेगा, एग्जॉसाइज किसी का झाड़ा करना, या किसी पे टोटका करना होता है एग्जॉसाइज। अच्छा, यहां से जब ये करते हैं ना इस काम को, एग्जॉस्टिस्ट जब एग्जॉसाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो जरा, वो बोलते हैं लाल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, या तो कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ बोलते हैं काली का मंत्र छू मंत्र, काली का मंत्र छू मंत्र, काली का मंत्र छू मंत्र, ए बला ए तू कहां से जा रही है, ओ इधर को आ, नीचे उधर सब आ जाए, जिस पे है बोल, मैं तुझे खा के रहूंगी कम घर, ए अच्छा, ठीक है। अब ये कह रहा है, जैसे इधर से क्या कर रहा है, आल तू जलाल तू आए बला का काल तू, और फिर बोल रहा है ओम छू मंत्र काली का मंत्र, छू मंत्र काली का मंत्र, इसको अंदर में क्या बोलते हैं, अरे है ये तो नहीं चीज आई निकल के, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या पढ़ा, अब याद आ गया, ये सीरीज वाला है, इसको एब्रकडेब्रा क्या बोलते हैं, मैं यार कितना खतरनाक वर्ड होता है, आबरा का डाबरा ऐसे नहीं बोलते, एब्रकडेब्रा, इधर देख लो यार, इधर देख लो एब्रकडेब्रा, तो वो अंग्रेज लोग बोलते हैं एब्रकडेब्रा, एब्रकडेब्रा, हमारे क्या बोलते हैं, आल तू जलाल तू आए बड़ा कोटाल तू, क्या बोलते हैं, काली का मंत्र छू मंत्र, और वो अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, एब्रकडेब्रा, 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 ऐसा बोले। तो उसमें जो भूत है, भूत की निश क्या होती है, गोस्ट है ना, और उसमें भूतनी है, भूतनी की निश क्या होती है, गोस्टी होती है, मतलब व्हाट इज इट, डब्ल्यू आई टी सी एच, व्हिच वन क्या होता है, भूतनी, या फिर एच एच हैग, मतलब चुड़ैल, किसी पे चुड़ैल आ गई, किसी पे भूतनी आ गई, ठीक है, ये क्या होते हैं, और गोस्ट, ये सब लगभग एक ही चीज है, ये चाचा ताऊ के हैं सब, वो उसकी बहन है, उसकी चाचा के ताऊ के लोग हैं, लगभग है कुन भाई, एक ही इनका सबका, विश हो, हैग हो, गोस्ट हो, सब एक ही होते हैं, ठीक है। और आपने देखा रहस्य, ये तो हो गए आपके तंत्र, तंत्र क्या होता है पढ़ा दिया मैंने आपको, वुडू होता है, ठीक है जी, और काली का मंत्र छूल मंत्र, एब्रकडेब्रा होता है, झाड़ा उतारना, झाड़ा करना एग्जॉसाइज, झाड़ा उठाने वाला, या तांत्रिक एग्जॉसिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं। और यहाँ पे टोट का चार्म हो जाएगा, नेगेटिव है तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा, अलग अलग वर्ड्स पढ़ा दिए गए आपको, वूडू पढ़ा दिया, वूडू डॉल क्या होती है, वॉली डॉल जो टोटके के लिए यूज होती है, वो वूडू डॉल होती है। तो ये आपको सारे सारे दिमाग में रखने हैं भाई, जल्दी से दिमाग में रख लो,
ये फर्स्ट पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट में इससे भी बढ़िया बढ़िया वर्कआउट लाऊंगा और उस वर्कआउट आपको बिल्कुल मिस मत कर देना, ठीक है। अगर मिस करोगे तो क्या करोगे, अपना नुकसान करोगे, मेरा नुकसान थोड़ी करोगे। फिलहाल वक्त हो चुका है इस छोटे से सेशन के ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद मैं दूसरा सेशन में आऊंगा और आपके लिए लेकर के आता हूँ अच्छी अच्छी इंग्लिश, और तब तक के लिए बाय।